एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं काम चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने मुझसे 200 रुपये मांगा लेकिन उस वक्त मेरे पास 100 रुपये है तो हम लोग कहते हैं 100 रुपये से काम चलेगा। या अक्सर अगर कोई आदमी कोई सामान मांगता है और जब वो सामान नहीं रहता है तो हम उसके जगह पर कोई सामान देने से पहले पूछते हैं क्या इससे काम चलेगा। तो आइए फ्रेंड देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। अगर आपको कहना हो क्या इससे काम चलेगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विल इट डू, यानी क्या इससे काम चलेगा। और अगर आपको जवाब में कहना हो हाँ इससे काम चलेगा या इससे काम चल जाएगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यस इट विल डू। लेकिन अगर आपको कहना हो नहीं इससे काम नहीं चलेगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नो इट विल नॉट डू। अगर किसी ने आपसे पूछा क्या 100 रुपये से काम चलेगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विल 100 रुपीज डू। और अगर आपको कहना हो हाँ 100 रुपये से काम चल जाएगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यस 100 रुपीज विल डू। लेकिन अगर आपको कहना हो नहीं 100 रुपये से काम नहीं चलेगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नो 100 रुपीज विल नॉट डू, यानी 100 रुपये से काम नहीं चलेगा। या 1 किलो चीनी से काम चलेगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विल 1 kg सुगर डू। और अगर आपको कहना हो नहीं 1 किलो चीनी से काम नहीं चलेगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नो 1 kg सुगर विल नॉट डू, यानी 1 किलो चीनी से काम नहीं चलेगा। अगर आपको कहना हो 1 किलो चीनी से काम चल जाएगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे 1 kg सुगर विल डू, यानी 1 किलो चीनी से काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने शानदार तरीके से सीखा कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े आराम से बोल पाएंगे जब आपको कहना हो इससे काम चल जाएगा या इससे काम नहीं चलेगा या क्या इससे काम चल जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।